नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। जी हाँ भाई, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ कि आप किसी भी देश में, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी के बारे में बात करेंगे, कंपनी की चालाकी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, क्योंकि कल लगभग 1 करोड़ के करीब गल्फ देशों में आप लोग रहते हैं। दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कुवैत की अगर बात करें तो उनके लेबर लॉ भी बने हुए हैं अलग अलग देशों के अलग अलग। जी हाँ, बाकी सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, उनको लागू करने का तरीका थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, बाकी यार लेबर लॉ क्या है, 8 घंटे ड्यूटी इंडिया में, 8 घंटे अमेरिका में, 8 घंटे आपको दुबई, कतर में मिल जाएगी। यहाँ पे संडे की छुट्टी होती है, वहाँ पे फ्राइडे की छुट्टी होती है, ओवर टाइम यहाँ मिलता है, वहाँ मिलता है, यानी प्रोसेस सेम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम बात करें कि कंपनी की चालाकी के बारे में, कंपनी आपके खिलाफ़ में एक्शन ले सकती है, कंपनी आपके खिलाफ़ में लीगल कार्रवाई कर सकती है। जी हाँ, वो कब कर सकती है? आपको दबाने के लिए, आपको मजबूर करने के लिए। आपको मजबूर वो क्यों करेगी? इसका रीज़न मान लीजिए, कंपनी आपको समय पे तनख्वाह नहीं दे रही है, आपको कुछ भी कंपनी के साथ डिस्प्यूट है, या डिस्प्यूट भी नहीं है तो आप कंपनी को छोड़ना चाहते हैं, इस्तीफा देना चाहते हैं। जी, उस दौरान कंपनी क्या चालाकी आपके साथ कर सकती है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको वी से रिलेटेड या अदर कंट्री से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। होता क्या है कि कंपनी में आप काम कर रहे हैं, किसी की भी रीजन से आपको कंपनी तनख्वाह नहीं दे रही है, आपको कंपनी परेशान कर रही है, या फिर आप कंपनी में काम नहीं करना चाहता, आपकी वहां पे जमती नहीं है तो आप काम छोड़ना चाहते हैं। जी हाँ, कंपनी को आप क्या करते हैं, अपनी ईमेल आईडी से कंपनी की ऑफिशियल ईमेल पे आप ईमेल कर देते हैं। जी हाँ, जैसे ईमेल करते हैं तो कंपनी को ईमेल दिखाई देता है कि बंदा इस्तीफा दे रहा है, बंदा जाएगा। और एक मैं बता दूं, कानून का जो दुबई का लेबर लॉ है 1980 के अनुच्छेद बता दूं 120 में, ये साफ साफ प्रावधान किया गया है लेबर हितों में कि भाई आप कंपनी में इस्तीफा देने के लिए आपको मंजूरी की जरूरत नहीं है। आप ये नहीं कि साहब मुझे छोड़ दो नौकरी से, मैं जाना चाहता हूं, बैठा यहाँ पे, कोई तेरे को जॉब नहीं देंगे, तो कोई तेरे को नहीं छोड़ा जाएगा, तेरा पासपोर्ट नहीं मिलेगा, ऐसा मंजूरी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो टाइम लद गए जब राजा महाराजाओं का काम हुआ करता था। लेबर लॉ में काम नहीं करना आप छोड़ सकते हैं, एक ईमेल लिखिए अपने मोबाइल से, इंग्लिश में, हिंदी में ट्रांसलेशन करके कहीं भी कैसे भी, और कंपनी की ऑफिशियल ईमेल आपका एचआर मैनेजर जो भी है उसको वो उसके मोबाइल पे फॉरवर्ड कर दे, आपका इस्तीफा हो गया। वो मंजूरी दे या न दे उसके कोई बस की बात नहीं है, अगर मंजूरी नहीं भी देगा तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो आपको बोल सकता है कि नहीं आप काम करिए, फिर भी आप बोलोगे नहीं नहीं सर मैं निकलना है मुझे, मैं जॉब से रिजाइन देता हूँ। तो उस दौरान आप उसको पता है कि अपना तनख्वाह भी मांगेगा या अपना बोनस भी मांगेगा, तो कंपनी फिर क्या करती है, वो दिमाग ये लगाते हैं कि आपके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि आपने हमारी कंपनी का नुकसान कर दिया, इसलिए आपको हम मुआवजा आपको तो देने की दूर की बात, हम आपसे और लेने की सोचेंगे। इस तरह से वो एलिगेशन लगा सकते हैं कि ये देखो हमारे पास सबूत हैं और आपने हमें इतना नुकसान कर दिया है। तो इस दौरान आपके माइंड में एक बात खटकनी चाहिए कि कहीं कंपनी आपके खिलाफ़ में कोई एक्शन नहीं ले ले मोहरे में जाके। जी हाँ, देखिए होता क्या, उससे पहले आपको पहुंच जाना है मोहरे में शिकायत लेके कि भाई मैं कंपनी में, ये आपको भी वहाँ पे सबसे उनसे पहले पहुंच जाना है, क्योंकि कंपनी पता चले कि आपके खिलाफ़ में एक्शन ले रहा, आपके खिलाफ़ गैर हाजिरी का नोटिस निकल जाए, तो उससे पहले मोहरे में आपको जाके खड़ा हो जाना है, जी मैंने इस्तीफा दिया था, ये मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे, ये रीज़न है। तो आप वहाँ पे आप साहूकार होगे, कंपनी गलत साबित होगी। वो इसलिए होगी कि आप काम कर रहे थे, कंपनी को ठीक था, जब आप काम छोड़ने की इस्तीफा देने की बात करें तो कंपनी बोलती है हमें नुकसान हो गया, तो कंपनी का हक ये बनता है, अगर आपकी वजह से कंपनी को लॉस होता है तो 48 आवर्स के अंदर कंपनी को आपके खिलाफ में कंप्लेन करनी चाहिए थी मोहरे में। कंपनी ने 5 महीने 3 महीने निकाल दिए, क्योंकि आपके खिलाफ तो ऐसा कुछ किया ही नहीं ना आपने, कंपनी तो आपके ऊपर झूठा एलिगेशन लगा रही है। तो इससे बचने के लिए आपको सबसे पहले कंपनी से पहले मोहरे में पहुंचना चाहिए, अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए और ये आपको मूक जबानी पहले बोलेंगे कि आपने हमारा लॉस कर दिया, हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, ताकि आप डर जाओ और वहीं पर काम कर लो, या फिर उनका बोनस वगैरह तनख्वाह नहीं मांगो इस तरह। तो उस ये वर्ड आते हैं आपको सबसे पहले मोहरे में पहुंच के अपनी सफाई पेश कर देनी है, ताकि वो सो जखे एक लिखे, मारवाड़ी में कुआवत है, यानी मुंह से 100 बार बोलना और लिखा एक बार, लिखा हुआ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा मुंह से बोलने की बजाय। मोहरे में पहुँच के आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि ये मेरे साथ ऐसी हुई है, तो कंपनी के खिलाफ में फिर कार्रवाई की जा सकती है मोहरे के द्वारा, क्योंकि कंपनी ने आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाने की कोशिश की है। आपको शायद मेरी ये बातें समझ में आ गई होगी, बहुत सारे लोगों के पास साथ ऐसी घटना हो सकती है, और भी कंपनियों से रिलेटेड, लेबर लॉ से रिलेटेड हम वीडियो बनाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखें ताकि जैसे ही हम नया वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ।